हाई गाइस, माय नेम इज दिशांत। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन फायरबेस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फायरबेस इन ऐप मैसेजिंग को यूज़ कर सकते हैं, राइट? क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, राइट? और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो फायरबेस इन ऐप मैसेजिंग के थ्रू, राइट? सो सपोज आपकी ऐप में कोई नया फीचर आया, राइट? और सपोज आपको किसी पर्टिकुलर यूज़र को, राइट, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, राइट? सो तो आप एक कस्टमाइज डायलॉग आप डिवाइस के ऊपर सेंड कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं, राइट? सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट पे जाना है। ओके, सो टूल्स के अंदर जाना है, फायरबेस के अंदर जाना है। सो यहाँ पे हमें सिंपली इन ऐप मैसेजिंग को सर्च करना है, राइट? सो उसे क्लिक करना है एंड देन सेटअप इन ऐप मैसेजिंग पे क्लिक करना है, राइट? यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हमें सिंपली हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, राइट? उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे ऐड फायरबेस इन ऐप मैसेजिंग डिपेंडेंसी बटन पे क्लिक करना है। सो उसके बाद हमें एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना है, राइट? सो ये डिपेंडेंसी ऐड कर देगा हमारी बिल्ड और ग्रेडर फाइल के अंदर। सो इसे हमें सिंपली एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना है। ओके, सो हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है, राइट? सो उसके बाद हम एक बार यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ओके, सो जैसे ही आप एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये एरर दिखेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली मल्टी डेक्स लाइब्रेरी को अपने बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल के अंदर ऐड करना है, तो वो कर लेते हैं। सो हमें बिल्ड डॉट ग्रेडर फाइल के अंदर जाना है, राइट, ऐप लेवल वाली। तो यहाँ पे हम सिंपली मल्टी डेक्स लाइब्रेरी को ऐड कर देते हैं, राइट? सो आप इसे वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, राइट? सो मैंने ये दो लाइनें ऐड की हैं और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जाना है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, यहाँ पे सिंपली आपको मल्टी डेक्स इनेबल कर देना। ट्यूटोरियल कर देना, राइट? उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सिंक नाउ पे क्लिक करना है। सो हम फिर से अपनी क्रेडल को बिल्ड कर लेते हैं। सो होप्स इस पर कोई एरर नहीं आना चाहिए। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, सो उसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली अपने फायरबेस कंसोल पे जाना है और एक न्यू कैंपेन ऐड करना है, तो वो भी कर लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमें सिंपली क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करना है। ओके गाइस, सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे लेआउट सीख देंगे, राइट? मैसेज लेआउट। सो हमारे पास कार्ड है, मॉडल है, इमेज ओनली एंड टॉप बैनर है, राइट? उसके बाद आप यहाँ पे एक टेस्ट डिवाइस के अंदर भी देख सकते हो, राइट, कि किस टाइप से ये दिखेगा, राइट? सो ये हमारा जो लैंडस्केप में कैसे दिखेगा, राइट, एंड पोर्ट्रेट में कैसे दिखेगा, राइट? सो आप इसे मोबाइल और टैबलेट दोनों में देख सकते हो यहाँ से। सो यहाँ से आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? मॉडल कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट? सो हम कार्ड पे सिलेक्ट करते हैं सिंपली, राइट? सो उसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड देना है, राइट, टेक्स्ट कलर देना है, तो वो भी दे सकते हो, राइट? सो हम सिंपली ब्लैक रहने देते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज टाइटल दे देते हैं, राइट? सो यहाँ पे मैं सिंपली वेलकम लिख देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे इधर रेप्लिकेट हो जाएगा वो। उसके बाद हम मैसेज बोर्ड दे देते हैं, उसके अंदर हम सिंपली लिख देते हैं वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली एक इमेज डालनी है, राइट, जो कि हमारी यहाँ पे विजिबल होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, पर अपलोड के लिए आपको यहाँ पे एक फायरबेस का पेड प्लान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक इमेज सर्च करते हैं। सो अगेन, यहाँ पे आपकी पास कोई अपनी वेबसाइट की इमेज है या फिर आपकी कोई ऐप से रिलेटेड कोई इमेज है तो वो भी डाल सकते हो। तो हम सिंपली एक इमेज को भी सिलेक्ट करते हैं, उसका यूआरएल कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो ये वाली इमेज थोड़ी ठीक लग रही है, तो इसका सिंपली कॉपी इमेज करते हैं बात, एंड यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से दिखेगा हमारा कुछ मैसेज। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन भी लगा सकते हैं, राइट, प्राइमरी बटन। सो प्राइमरी बटन भी लगा देते हैं हम। सो यहाँ पे सिंपली हम ओके लिख देते हैं। सो यहाँ पे आप उसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, टेक्स्ट कलर भी सेट कर सकते हो, राइट? सो उसके बाद यहाँ पे हमें बटन एक्शन देना है। सपोज ओके पे क्लिक करने के बाद आपको किसी वेबसाइट पे भेजना है उसे, तो यहाँ पे उसे वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हो। बट हमारे केस में हमें सिंपली इसे डिसमिस करना है, तो हम इसको चेक कर देते हैं, यूज डिसमिस एज एक्शन। ओके, सो नेक्स्ट करने से पहले हम इसे एक पर्टिकुलर डिवाइस में चेक कर लेते हैं, राइट, कि कैसे दिखेगा, राइट? तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक डिवाइस आईडी चाहिए होगी, राइट? तो यहाँ पे हम टेस्ट ऑन डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं। सो डिवाइस आईडी के लिए आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, इस एप्लीकेशन को रन कर देना है। ओके, सो डिवाइस आईडी लेने के लिए, राइट, सो हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख लेते हैं, राइट? सो ये डॉक्यूमेंटेशन है, राइट, इन ऐप मैसेजिंग की, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमें गेट योर ऐप इंस्टॉलेशन आईडी, उसके लिए हमें सिंपली इसे कॉपी करना है और हमें अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, लोग कैट के अंदर जाना है और यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देना है। सो उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डिवाइस आईडी मिल जाएगी, राइट। सो इसे हमें सिंपली कॉपी कर लेना है, फायरबेस कंसोल के अंदर जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसे सिंपली एक ऐड डिवाइस कर देना है और टेस्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। सो हम एप्लीकेशन को चला देते हैं, राइट। सो जैसे हम एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग मिल जाएगा, राइट, जो कि हमने वहाँ पे सेट किया है। ओके, आप देख सकते हैं, राइट। सो जैसे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की तो ये हमारा टेस्ट डिवाइस के अंदर चल चुका है, राइट। सो वेलकम टू योर एप्लीकेशन, ओके पे क्लिक करने पे डिसमिस हो जाएगा, राइट। सो इसे हमने क्या करना है कि जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी मोबाइल हैं जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है, तो उन्हें ये डायलॉग दिखाना है। तो उसके लिए मैं सिंपली कैंपेन को स्टार्ट कर देना है। सो फायरबेस कंसोल के अंदर जाना है, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप कैंपेन की आप नेम दे सकते हैं, राइट। सो हमारे कैंपेन, राइट, वेलकम है, तो यहाँ पे सिंपली मैं वेलकम लिख देता हूँ। सो आप कैंपेन की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, राइट। सो उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपनी ऐप सेलेक्ट करनी है। सो हमारे केस में ऐप हमारी फायरबेस लर्न है, तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सो आप मल्टीपल ऐप्स भी सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे एंड पे क्लिक करके। सो उसके बाद हमें सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो उसके बाद हमारे एक स्केड्यूलिंग का ऑप्शन है। सो उसके अंदर आप यहाँ पे टाइम को एक पर्टिकुलर टाइम पे स्केड्यूल भी कर सकते हो इसको, और आप वो अभी स्केड्यूल करना है तो यहाँ पे सिंपली आप नाउ पे क्लिक रहने दें। सो यहाँ पे एंड डेट भी दे सकते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर कैंपेन की। सो हम यहाँ पे सिंपली नो एंड डेट और डिफॉल्ट पे सिलेक्ट रहने देते हैं। सो उसके बाद आपको यहाँ पे इवेंट्स देने हैं। सो इवेंट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स हैं, राइट, कि ऐप लॉन्च के ऊपर आपको शो करना है, राइट। सो और आपको या फिर सेशन स्टार्ट हो तब शो करना है, राइट। सो हम यहाँ पे सिंपली ऐप लॉन्च पे क्लिक कर देते हैं, राइट। सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिमिट भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट, कितने टाइम, राइट, एक पर्टिकुलर डिवाइस में डायलॉग दिखना चाहिए, राइट। सपोज आप एक ही टाइम दिखाना चाहते हो, राइट, उस पर्टिकुलर डायलॉग को, राइट, इन द एंटायर डे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो बाय डिफॉल्ट ये एक डिवाइस में एक ही बार दिखेगा, राइट, सो वन डे के अंदर। सो आप यहाँ पे आप अगर आपको एक दिन में मल्टीपल टाइम डिस्प्ले करना है, राइट, अलग डायलॉग को, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। सो हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। सो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट्स हैं, राइट। सो ये हमारे केस में कोई यूज़फुल नहीं है, तो ये ऑप्शनल फील्ड है, तो इसे हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। एंड देन अगर आपको यहाँ पे कोई डेटा पास करना है, राइट, तो वो भी पास कर सकते हैं। सो ये अगेन ये फील्ड भी ऑप्शनल है, तो हम सिंपली यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं हमारे चेंजेस। सो ये हमारे सारे चेंजेस आ गए, राइट, कंटेंट क्या होगा, राइट, कार्ड होगा, किस टाइप का होगा, राइट, नाम क्या है हमारे कैंपेन का, ओके। सो ये हमारे इवेंट्स में आ गए। सो उसके बाद हमें सिंपली इसे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो हमारा कैंपेन पब्लिश हो चुका है। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोई और डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो उस पर हमारी एप्लीकेशन रन करते हैं। ओके, सो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमें ये अलर्ट डायलॉग, राइट, जो हमने सेकंड डिवाइस में हमने, राइट, ऐप को इंस्टॉल किया था, तो वहाँ पे भी हमें दिख चुका है। सो ऐसे, राइट, आप जितने भी डिवाइसेस में, राइट, अपनी एप्लीकेशन को चलाओगे, सो एक बार आपको ये अलर्ट डायलॉग दिएगा जब भी आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे, राइट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इफ़ यू आर फेसिंग एनी इशू, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। And all my source code is available on my GitHub profile. So I will also put the link in the description. You can also check that out. And milte hain kisi next Firebase ki video ke andar. Tab tak ke liye, goodbye, good luck, and take care.